हेलो फ्रेंड, आज गैरेज में फैशन प्लस बाइक आया है। इंजन लॉक हो गया। ये गाड़ी में इंजन ऑयल ख़त्म हो गया था पूरा। इंजन ऑयल ख़त्म होने के बाद में पूरा इंजन लॉक हो गया पूरा। तो अब इसका इंजन खोलेंगे। इंजन खोल के खोलने के बाद में क्या क्या पार्ट ख़राब है तो हम चेंज करेंगे। तो फटाफट इंजन पूरा डाउन कर देंगे पूरा। अभी ये प्लेट खोल दिया। खोलने के बाद में देखा तो इसका जो ऑयल पम्प का गिरारी होता है वो पूरा ख़त्म हो गया है। और उसका ऊपर छोटा सा रोलर होता है वो भी पूरा ख़त्म है। और इसमें भाई कोई भाई साहब ने इसमें 12 नंबर का नट डाला है। इसमें 10 नंबर का चोड़ी के स्पेशल नट होता है। अभी ये ब्लॉक भी ख़राब हो गया है क्योंकि वो ब्लॉक में ओवर साइज नट डाला है किसने। अभी ब्लॉक एक नया डालेंगे नहीं तो दूसरा कौन सा जुगाड़ करेंगे। ये देखो इसका अंदर का जो बीच वाला हिस्सा में एक रबर का रोलर होता है ये पूरा घिसा हुआ है। ये घिसने का कारण ऑयल है। कस्टमर ने ऑयल टाइम टू टाइम ऑयल नहीं देखा, इसकी वजह से इंजन सीज हो गया पूरा। बिल्कुल एक थेम भी ऑयल इसमें नहीं है। भाई कस्टमर को एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, गाड़ी चलाता है तो आप टाइम टू टाइम इंजन ऑयल डालते रहना है। अगर टाइम टू टाइम इंजन ऑयल नहीं डालेंगे तो गाड़ी का जितना सारे पार्ट है वो ख़राब हो जाएगा। हर पार्ट इंजन ऑयल में डूबा रहता है। ऑयल बिना ऑयल से गाड़ी चलता नहीं है। ये देखो ये पूरा ये पिस्टन ये ब्लॉक तो पूरा ऐसा हो गया। देखिए उसका पिस्टन पूरा लॉक, जिसका पिस्टन पिन है क्रैंक में पूरा लॉक है। ये देखिए खोलने का चांस नहीं है और पिस्टन पूरा ख़त्म हो गया पूरा। और इसका जो पिन भी ये भी पूरा जाम है। इसको मैंने स्प्रे मार दिया था, अभी थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे। पिन भी पूरा जाम है। इसमें मैंने रस स्प्रे मार के रखा था, अभी आसान से खुल गया। अभी दूसरा बार आप पिन खोलेंगे। इसका कैमशाफ्ट का कैमशाफ्ट अच्छा है। इसका जो बेयरिंग है बहुत आवाज़ मार रहा है। इसका दोनों बेयरिंग चेंज करेंगे। प्लग भी ख़राब है, प्लग भी नया डालेंगे इसमें। वाल तो दोनों का दोनों जाम है। इसका वाल गाइड डालना पड़ेगा। पर दोनों का दोनों वाल जाम है। एक चीज़ है इसमें, क्लच प्लेट का जो सेंटर हब पूरा घिसा हुआ है, पूरा असेंबली डालना पड़ेगा। फटाफट खोल देंगे। ये सारे चीज़ हमने खोल दिया है। ये सब पेट्रोल से और पानी से, पहला पानी से धोएंगे, उसके बाद में पेट्रोल से वॉश करेंगे, उसके बाद में इंजन जोड़ेंगे और क्रैंक ब्लॉक और हेड खराब वाले के पास रिपेयरिंग को दे देंगे। ये सारे चीज़ मैंने वॉश कर लिया है। उसका ऑयल पम्प का गिरारी उसको मैंने पहला सेटिंग कर दिया है। उसका गियर बॉक्स जोड़ेंगे। उसका बेयरिंग जो ख़राब हुआ था बाकी थोड़ा बेयरिंग अच्छा है, तो हमने लुब्रिकेट कर लिया है। और इंजन जोड़ने का टाइम में जरूर पड़े एक उसका न्यूट्रल पट्टी जरूर डालें, अगर अच्छा रहेगा तो भी निकाल के नया डालें। अभी क्रैंक भी रिपेयर हो गया है। और उसका जो गियर चेंजर में जो ये है गियर चेंजर, उसको भी चेक करना ज़रूरी है। उसमें अगर मार्किंग आया तो गियर सही से नहीं गिरेगा। प्लग प्लेट मिंडा कंपनी का, जो उसका टाइमिंग चेन का पूरा किट है। गियर बॉक्स
फिटिंग कर दिया हमने, उसको थोड़ा लोकल कट कर देंगे ताकि आराम से गियर गिरते रहेगा। तो इसको चेक करेंगे सही से गियर गिर रहा है कि नहीं। क्रैंक का दोनों बेयरिंग डाला हुआ है, एस्केप का बेयरिंग और क्रैंक रॉड भी नया डाला है हमने। पैकिंग फिटिंग कर दिया है, थोड़ा राइजिंग बोन डाला लगा दिया, और दूसरा वाला चैम्बर फिटिंग करेंगे। इंजन खोलने का टाइम में जो फुल इंजन अगर आप खोलते हैं तो उसका जो ऑयल पंप है उसको खोल के अच्छा तरह से पेट्रोल से वॉश कर देने का। प्लस अभी गियर चेक करेंगे, गियर सही से गिर रहा है कि नहीं। ये देखिए गियर सही से गिर रहा है, कोई तो दिक्कत नहीं है इसका, सही से चार गियर सही से गिर रहा है। देखिए अगर गियर हार्ड गिरेगा तो उसका जो गियर चेंजर का जो एक पट्टी है उसको चेंज करा दीजिए। ये सारे क्लच का पार्ट है वॉशिंग करके रखा है मैंने और फिटिंग कर रहा हूँ। क्लच का पैकिंग डालने का टाइम में बॉन्ड यूज ना करें, क्योंकि क्लच हमको कभी भी बार बार खोलना पड़ता है, क्लच में बिल्कुल बॉन्ड यूज नहीं ना करें। इसमें मैंने ब्लॉक का एक ख़राब वाला मेरे को जुगाड़ करके दिया है मैंने, तो बोला तो 50 नंबर का पिस्टन है, क्योंकि उसका जो ब्लॉक था वो ख़राब था, उसका होल बड़ा हो गया था जहाँ पर रोलर बैठता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब होने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अभी हमने पूरा इंजन फिटिंग कर लिया है पूरा, अभी इसमें इंजन चेचिस में फिटिंग करने वाला है, उसके बाद में चालू करेंगे, दिखाएंगे आपको। इतने बड़ी और पाल से काम कर रहे नहीं है। इसका ऑयल प्लेट अच्छा तरह से मैंने वॉश कर लिया है, उसका ऑयल सील भी नया डाल देंगे, उसका ओरिंग भी नया डाल देंगे उसका ऊपर का, और ओरिंग का ऊपर थोड़ा बॉन्ड यूज कर फिटिंग कर देंगे। अभी सारे चीज़ फिटिंग हो गया, अभी गाड़ी हम चालू करने वाला है, गाड़ी चालू करेंगे और ऑयल का प्रेशर चेक करेंगे। अब गाड़ी चालू हो गया, इसका ऑयल प्रेशर हम चेक करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी ये मिलेगा।